बच्चों अब आप पढ़ेंगे टीपू सुल्तान के बारे में। टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर। टीपू सुल्तान वॉज द रूलर ऑफ मैसूर। ही वॉज द सन ऑफ हैदर अली। टीपू सुल्तान अपोज द ब्रिटिश। तो टीपू सुल्तान कहाँ के रूलर थे? मैसूर के रूलर थे। वो हैदर अली के बेटे थे और उन्होंने ब्रिटिश का अपोज किया था। तो यहाँ पर टीपू सुल्तान को मैं अभी इसलिए बताया सब्सिडरी अलायंस के बाद में कि बाकी जो आपकी आपकी क्लेम्ड पैरामाउंटेंसी एंड आपकी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वो आपकी टीपू सुल्तान के बाद ही ब्रिटिश लाए, तो उसको हम एक सीक्वेंस में आपको पढ़ाएंगे। तो फर्स्ट आपने पढ़ी थी सब्सिडरी अलायंस, इसके बाद में आप आज टीपू सुल्तान ने कैसे अपोज किया था, क्या कॉज थे, आज आप ये पढ़ेंगे। तो टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर। मैसूर हैड ग्रोन इन स्ट्रेंथ अंडर द लीडरशिप ऑफ पावरफुल रूलर्स लाइक हैदर अली एंड हिज फेमस सन टीपू सुल्तान। इन 1785 टीपू सुल्तान स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड पेपर एंड कार्डेमोम थ्रू द पोर्ट्स ऑफ हिज किंगडम एंड दिस अलाउड लोकल मर्चेंट्स फ्रॉम ट्रेडिंग विद द कंपनी। तो टीपू सुल्तान जिनको टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता है, जो हैदर अली के बेटे थे, उन्होंने 1785 में क्या किया, एक्सपोर्ट करना, जो सैंडलवुड को एक्सपोर्ट किया जाता है उसको बंद किया, पेपर एंड कार्डेमोम जो जाता था उनके पोर्ट से, उनके किंगडम से, उसको बंद किया, और जो लोकल मर्चेंट थे उनको डिसअलाउड किया कि आप कंपनी से ट्रेड नहीं करेंगे। तो ये टीपू सुल्तान की आप इसके बाद ये देखिए जो एक टाइगर, ये टीपू सुल्तान का एक टॉय था जो आज प्रेजेंट टाइम में भी आप अगर देखेंगे तो दिस टॉय टाइगर इज नाउ कैप्ट इन द विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम इन लंदन, जो लंदन में रखा हुआ है। द ब्रिटिश टुक इट अवे व्हेन टीपू सुल्तान डाइड डिफेंडिंग हिज कैपिटल श्रीरंगपत्तनम ऑन 4 मई 1799 में। तो जब टीपू सुल्तान की डेथ होती है तो इसको ब्रिटिश ले जाते हैं, और ये आपका प्रेजेंट टाइम में भी कहाँ पर रखा हुआ है, विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में, जिसपे दिखाया गया है कहीं ना कहीं एक ब्रिटिश सोल्जर्स को कि किस तरह से टाइगर उसको दबाए हुए, देखा होगा आपने पिक्चर में। और ये पिक्चर जो आपको दिख रही है टीपू सुल्तान की जब डेथ होती है तो उनके जो बेटे हैं दो, उनकी पिक्चर है ये। इसके बाद में आप देखिए मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ द मालाबार कोस्ट वेयर द कंपनी परचेज पेपर एंड कार्डेमम। मीन्स मालाबार कोस्ट पर किसका कंट्रोल था? मैसूर का कंट्रोल था। इन 1785 टीपू सुल्तान स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड पेपर एंड कार्डेमम थ्रू द पोर्ट्स ऑफ हिज किंगडम। अभी मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था पैराग्राफ में, लेकिन आप पॉइंट में समझेंगे कि 1785 में टीपू सुल्तान ने क्या किया था, एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया था सैंडलवुड का और जो भी स्पाइसेस रहते थे, कि अपने किंगडम से उन्होंने कह दिया था किंगडम से हम ये अलाउ नहीं करेंगे कि हमारा जो एरिया आता है, हमारा जो किंगडम आता है, वहाँ से हम आपको एक्सपोर्ट करने दें। ये कह दिया था किससे? ये कंपनी से बोला कि हम अब आपको एक्सपोर्ट नहीं करने देंगे। सेकंड, इसके बाद क्या किया उन्होंने? ही डिस अलाउड लोकल मर्चेंट्स फ्रॉम ट्रेडिंग विद द कंट्री। ही डिस अलाउड लोकल मर्चेंट फ्रॉम ट्रेडिंग विद द, सॉरी बेटा, कंपनी होगा, किससे? कि कंपनी से उनको ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पर कंट्री नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा कंपनी। ही डिसअलाउड लोकल मर्चेंट्स फ्रॉम ट्रेडिंग विद द कंपनी। ही एस्टेब्लिश्ड अ क्लोज रिलेशनशिप विद फ्रेंच इन इंडिया। और उन्होंने क्या किया था? अपनी क्लोज रिलेशनशिप किससे रखी थी? जो फ्रेंच थे, जो फ्रांसीसी थे। ही मॉडर्नाइज हिज आर्मी, और उन्होंने अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज किया था।
फर्स्ट तो एक्सपोर्ट करने से मना किया था जो स्पाइसेस थे, जो सैंडलवुड थे। सेकंड, उन्होंने डिसअलाउ किया था लोकल मर्चेंट्स को कि वो कोई भी ट्रेड कंपनी के साथ में ना करें। इसके बाद में रिलेशनशिप उन्होंने अपनी अच्छी की किससे, जो फ्रेंड्स थे। और आर्मी को क्या किया, आर्मी को उन्होंने कहीं ना कहीं मॉडर्नाइज किया। द ब्रिटिश फॉट फोर वॉर्स विद मैसूर, मैसूर से मीन्स टीपू सुल्तान के साथ में उनकी फोर वॉर होती हैं। ओनली इन द लास्ट द बैटल ऑफ सेरिंगपत्तनम द कंपनी वॉज एबल टू विन। तो जो लास्ट वॉर होती है उसमें कौन जीतता है, उसमें कंपनी जीतती है। टीपू सुल्तान डाइड डिफेंडिंग हिज कैपिटल सेरिंगपत्तनम। टीपू सुल्तान की डेथ होती है, डिफीटेड होते हैं कहाँ पर, जो उनकी कैपिटल थी। अभी आपको मैंने जो एक्सप्लेन किया कि टीपू सुल्तान आपके मैसूर के रूलर थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया ब्रिटिश का और बाद में उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि तीन वॉर वो उनसे जीतते हैं, जो लास्ट वाली होती है उसमें वो डिफीटेड होते हैं। और इसके बाद से मैसूर में कौन आ जाता है, किसका रूल हो जाता है, ब्रिटिश का। तो इस तरह से कहीं ना कहीं वो एक एक टेरिटरी उसको वो एक्सपेंड करते गए या कैप्चर करते गए। ओके, अब इसके बाद आप पढ़ेंगे मराठास को। तो द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन अहमद शाह अब्दाली एंड मराठास। द मराठास लॉस्ट दिस बैटल आफ्टर द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761। द मराठास पावर बिकेम वीक एंड अनस्टेबल। पानीपत की आपकी जो थर्ड बैटल होती है वो किसके किसके बीच में होती है, मराठास एंड अहमद शाह अब्दाली के बीच में। और जो थर्ड बैटल हुई इसमें मराठास पावर कहीं ना कहीं ख़त्म हुई, मीन्स वीक हुई है, अनस्टेबल हो गई थर्ड पानीपत की थर्ड बैटल में। द मराठास वर डिवाइडेड इनटू मेनी स्टेट्स अंडर डिफरेंट स्टेट्स हेडेड बाय सरदार्स। तो जो मराठास थे वो आपके डिवाइड हुए मैनी स्टेट्स में, और उनको हेडेड कौन करता था, मींस सुपरविजन उनका कौन करता था, उसको क्या बोला जाता था, उनको सरदार बोला जाता था, जो उसको क्या करते थे, हेड करते थे, मींस वो कहीं ना कहीं उसके हेड होते थे, चीफ होते थे, उनको बोलते थे सरदार। टू फेमस मराठा सोल्जर्स एंड स्टेट्समैन। तो उसमें दो टू फेमस मराठास के सोल्जर्स एंड स्टेट्समैन जो थे, एक महाजी सिंधिया एंड एक नाना फर्डेंस। तो एक ये दोनों क्या थे, ये फेमस आपके मराठा सोल्जर्स थे। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर स्टार्ट। अब आपका ये आपको यहाँ पर इस चैप्टर में यही समझाया गया कि किस तरह से कंपनी रूल एक्सपेंड हुआ। तो अभी आपने देखा कि टीपू सुल्तान से किस तरह से स्टार्टिंग होती है, बैटल होती हैं, फोर वॉर होती हैं, और लास्ट वाली जो वॉर होती है उसमें टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है और टेरिटरी किसके अंडर में चली जाती है, ब्रिटिश के अंडर में चली जाती है। सेम यहीं पर, यहाँ पर भी आप यही सिचुएशन देखेंगे कि स्टार्टिंग होती है मराठास की आपकी अहमद शाह अब्दाली से, जब पानीपत की बैटल होती है उसके बाद में मराठास पावर अनस्टेबल हो जाती है, वीक हो जाती है, और धीरे धीरे कंट्रोल किसका आ जाएगा, ब्रिटिश का आ जाएगा। तो फर्स्ट आपकी एंग्लो मराठा वॉर होती है। द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775-1782 was the first of three Anglo-Maratha war fought between the British East India Company and Maratha Empire in India. The war began with the Treaty of Surat and ended with the Treaty of Salbai.
तो ये आपकी पहले कहाँ पर हुई है और किसके बीच में हुई है? तो ये आपकी होती है ब्रिटिश और मराठा के बीच में, और इसमें ट्रीटी होती है सूरत में, द ट्रीटी ऑफ सूरत एंड एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ सलवाई। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर आती है, इसके बाद में सेकेंड होती है। तो सेकेंड मराठा वॉर जो होती है वो आपकी होती है 1803 to 1805, जिसमें ब्रिटिश गेनिंग उड़ीसा एंड द टेरिटरीज नॉर्थ ऑफ द यमुना रिवर इंक्लूडिंग आगरा एंड दिल्ली, ये इस तरह से टेरिटरीज गेन की हैं ब्रिटिश ने। तो जो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर होती है उसमें ब्रिटिश क्या करते हैं, गेनिंग उड़ीसा एंड द टेरिटरीज नॉर्थ ऑफ द यमुना एंड रिवर इंक्लूडिंग आगरा एंड दिल्ली। तो ये इनको कब मिलती है, जब सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर होती है। द सेकेंड मराठा वॉर टुक प्लेस बिटवीन मराठाज एंड ब्रिटिश, ये आप देखेंगे पिक्चर। इसके बाद में थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817 एंड 1818, जो आपकी थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होती है ये क्रश्ड मराठा पावर, ये ध्यान रखना क्रश्ड मराठा पावर, कि कहीं न कहीं मराठा की मराठास की जो पावर थी वो आपकी ख़त्म हो जाती है। तो वो आपकी वो कब ख़त्म होती है, जब थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होती है जो 1817 to 1818 थी, वॉज द फाइनल एंड डिसाइसिव कॉन्फ्लिक्ट, मीन्स डिसीजन हो गया था एक तरह से बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द मराठा एम्पायर इन इंडिया। द वॉर लेफ्ट द कंपनी इन कंट्रोल ऑफ मोस्ट ऑफ इंडिया, और इस वॉर के बाद कंपनी ने मोस्ट ऑफ इंडिया में अपना कंट्रोल कर लिया था। तो बच्चों आपने ये देखा इसमें कि किस तरह से कंपनी ने अपना रूल एक्सपेंड किया, सब्सिडरी अलायंस से किया। इसके बाद में टीपू सुल्तान से वॉर हुई, मैसूर के अंडर में आया। इसके बाद में मराठास से वॉर होती है, तो जो थर्ड मराठास से वॉर होती है उसमें मेन किसके पास में पावर आ जाती है, कंट्रोल किसका हो जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब जो आपकी द क्लेम ऑफ पैरामाउंटेसी एंड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आप आगे पढ़ेंगे, और आपको उससे और भी क्लियर होगा कि कंपनी ने टेरिटरी को कैप्चर कैसे किया। थैंक यू क्लास।